अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आकी और मास्टर कुकिंग विद आकी में आप सबका स्वागत है। हर गृहिणी दिल से खाना बनाती है और प्यार से अपने परिवार को खिलाती है, लेकिन सबका स्वाद अलग होता है और वही स्वाद उसकी पहचान होती है। चलिए तो फिर आज एक ऐसी ही रेसिपी जो आपकी पहचान बने, हम आज बनाते हैं हलीम। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम दाल मिक्स कर लेंगे। उसके लिए हमने ले लिया है 2 कप गेहूं, यानी कि हलीम के गेहूं, छड़े हुए गेहूं, 1 कप चावल, साथ ही में 1 कप मसूर और उड़द की दाल मिक्स। अब ले लेते हैं 2/3 कप मूंग दाल, 2/3 कप तुअर दाल और 1/3 कप चना की दाल। ये सारी दाल, गेहूं और चावल हम एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे वॉश कर लेंगे जब तक कि हमारा पानी एकदम क्लीन ना हो जाए। देखिए ये वॉश हो चुका है। अब एक बड़े से पतीले के अंदर हमने 3 से 4 लीटर पानी को बॉईल कर लिया है और इसके अंदर हम हमारा दाल मिक्स ऐड कर देंगे। साथ ही में 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आधा ढककर हम आधे घंटे के लिए बॉईल कर लेंगे। अब हम तैयारी करते हैं मटन बॉईल करने के लिए। इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप प्याज की स्लाइस, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 1 फूल बादियान, थोड़े से लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही में हम ऐड करते हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इस तरह सारे मसाले मटन के अंदर ऐड करके खुला हम इसे बॉईल करते हैं जब तक कि इसका पानी ना छूट जाए। फिर इसे कुकर को कवर करके हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 अनियन ले लिए हैं और स्लाइस कट कर लिया है, 4 से 5 टोमेटो ले लिए हैं, उसकी प्यूरी बना ली है और ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई है। इसके लिए हमने 1 कप पानी और ऐड करके 15 मिनट के लिए और बॉईल कर लिया है और ये देखिए परफेक्ट बॉईल होकर तैयार है। हमारा दाल मिक्सचर बॉईल होकर परफेक्ट तैयार है और साथ ही में हमारा मटन भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम बड़ी साइज के पतीले के अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अंदर अब हम सारे साबुत मसाले ऐड करेंगे, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, 1 फूल बादियान, 3 हरी इलायची, काली मिर्च, 1 तेज पत्ता और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करते हैं स्लाइस किए हुए प्याज जो हमने पहले से स्लाइस करके रेडी रखे थे, 4 अनियंस के। इसे हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे और ये हमारा बिरस्ता बनकर तैयार है। थोड़े से प्याज हम सर्विंग के लिए निकाल देंगे साइड में। और अब इसमें हम ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 3 टेबलस्पून हरी मिर्च पेस्ट। हरी मिर्च की पेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड करते हैं टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी को अच्छे से हम भून लेंगे इसका पानी जब तक कि सूख ना हो जाए। साथ में ऐड करते हैं 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट इसे हम सौते कर लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसमें हम ऐड करते हैं बॉईल किया हुआ मटन, जो हमने 1 केजी मटन को स्पाइसेस, अनियंस वगैरह सब ऐड करके हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है।
और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़े से धनिया और फ्रेश पुदीना और इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि सारा मसाला मटन को कोट हो जाए और सारा स्वाद मटन के अंदर चला जाए। मटन अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं हमारी बॉईल की हुई दाल, जिसे हम हारिस भी कहते हैं। अब बॉईल की हुई दाल को हम अच्छे से सारे मसाले और मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कीजिए और ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अभी बहुत ही गाढ़ा है हमारा हलीम। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप पानी, या फिर आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छी तरह से उबल जाए। थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे ताकि इसका भी स्वाद अंदर तक चला जाए। ये देखिए 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से उबल गया है, लेकिन हम अभी इसे और 10 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि अच्छी तरह से एकदम से स्वादिष्ट बन जाए हमारा हलीम और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। ये आप देख सकते हैं पूरे आधे घंटे के बाद हमारा हलीम बिल्कुल बनकर तैयार है ना एकदम स्वादिष्ट हलीम। तो इस पे हम थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेंगे और चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हमने बिरस्ते के साथ इसे गार्निश कर लिया है, साथ ही में हम थोड़ा सा धनिया और फ्रेश पुदीना ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, ये देखिए आप देख सकते हैं, और नींबू के स्लाइसेस के साथ हम इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारा हलीम बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे आप सबकी दुआओं में याद रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए ताकि ये रेसिपी आपकी पहचान बन सके, आपका स्वाद बन सके। तो फिर चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।